नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सीके न्यूज चोगामा की आवाज। कार्बनिक खेती स्वस्थ राष्ट्र की ओर एक कदम विषय पर राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन। स्थानीय छोटूराम पीजी कॉलेज में आज एक दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसका विषय कार्बनिक खेती स्वस्थ राष्ट्र की ओर एक कदम रखा गया। इस अवसर पर कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे महाविद्यालय के प्राचार्य नरेश मलिक ने जनपद मुजफ्फरनगर के प्रगतिशील जैविक किसानों एवं छात्रों को संबोधित करते हुए बताया कि आधुनिक कृषि, जिसमें हम रसायनों का अंधाधुंध इस्तेमाल करते हैं, उनसे विभिन्न प्रकार की लाइलाज बीमारियां यथा हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर, मधुमेह और अब कैंसर जैसी अनेकों बीमारियों ने आम घरों में जन्म ले लिया है, जिनका एकमात्र कारण हमारा खान पीन तथा अनियमित दिनचर्या है। इन सबसे छुटकारा पाने के लिए हमें अपने खेती के पुराने सिस्टम, जिसमें प्राकृतिक खेती अथवा जैविक खेती शामिल है, की तरफ लौट नहीं होगा। नहीं तो आने वाली पीढ़ी बुरी तरह से प्रभावित होगी और स्वास्थ्य में हम पिछड़ जाएंगे। आज जो है, क्योंकि एक महत्वपूर्ण विषय आजकल पूरी दुनिया का है और ख़ास तौर पे हम अपने भारतवर्ष की बात करते हैं, अपने क्षेत्र की बात करते हैं, कि जो रासायनिक खेती है, जिसमें केमिकल फर्टिलाइजर्स का, इंसेक्टिसाइड्स का, पेस्टिसाइड्स का जो अंधाधुंध प्रयोग किया जा रहा है, तो इससे हम थोड़े से लाभ के लिए, यानी कि थोड़ा उत्पादन बढ़ जाए, इसलिए जो है ज़्यादातर किसान इनका इस्तेमाल कर रहे हैं और बड़े ख़तरनाक केमिकल्स वो हैं, पर स्वास्थ्य की तरफ जो है हम ध्यान नहीं दे रहे और लाभ के चक्कर में जो है अपनी अगली पीढ़ियों को, अपनी पीढ़ी इस पीढ़ी के साथ साथ अगली पीढ़ियों को भी समाप्त कर रहे हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए आज यहाँ पर एक संगोष्ठी का, राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया है, यानी कि कार्बनिक खेती या ऑर्गेनिक फार्मिंग, जैविक खेती, कुछ भी कहिए आप, प्राकृतिक खेती, परम्परागत खेती जो पहले होती थी, तो स्वस्थ राष्ट्र की ओर एक कदम। तो क्योंकि एकमात्र समाधान स्वास्थ्य को बचाने का, पर्यावरण को बचाने का, और जो माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना है कि किसानों की आय दुगनी की जाए, तो रासायनिक खेती से नहीं हो सकती, क्योंकि वो तो महंगे हैं काफ़ी, तो उससे हम किसानों की आय दुगनी नहीं कर सकते। पर प्राकृतिक खेती या ऑर्गेनिक फार्मिंग इस तरीके का मेथड है, जिससे हम, क्योंकि कम लागत में अधिक उत्पादन ले सकते हैं और उससे आय के साथ साथ स्वस्थ भी होगा, पूरा देश स्वस्थ होगा, आज की पीढ़ी और आने वाली पीढ़ियां जो है स्वस्थ हो सकती हैं। तो इस संबंध में आज एक संगोष्ठी का, राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इसके संयोजक हमारे एग्रोनॉमी विभाग के हमारे साथी डॉक्टर ओमवीर सिंह हैं और इसके जो आज मुख्य वक्ता हैं वो आज डॉक्टर एन रविशंकर, जो फसल प्रणाली केंद्र, जो अनुसंधान केंद्र है मेरठ में, वहाँ के प्रधान वैज्ञानिक हैं ये, और इस प्रोजेक्ट के, ऑल इंडिया प्रोजेक्ट, ऑल इंडिया बेसिस पे इसके ये डायरेक्टर वगैरह हैं प्रोजेक्ट के, जो प्राकृतिक खेती या ऑर्गेनिक फार्मिंग का, एन रविशंकर, तो काफ़ी बड़ी इसमें एक हस्ती हैं, तो उन्हें आज यहाँ पे बुलाया गया था, मुख्य वक्ता वो हैं। और साथ साथ डॉक्टर जितेंद्र आर्य, जेके आर्य, जो कृषि ज्ञान केंद्र हस्तिनापुर में है, और हमारे एक स्टूडेंट और हैं, ये भी जितेंद्र आर्य हमारे स्टूडेंट है, और एक डॉक्टर शुभम आर्य, वो भी SMS सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट, विषय विशेषज्ञ हैं, यानी कि कृषि वैज्ञानिक है हस्तिनापुर कृषि विज्ञान केंद्र पर, वो भी यहाँ पे आए हैं। और इसके साथ साथ जो कुछ किसान इस जनपद के, जो प्रगतिशील किसान हैं और जो ऑर्गेनिक फार्मिंग पे काम कर रहे हैं, दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन रहे हैं, अपनी आय को किस तरीके से बढ़ा रहे हैं, कम लागत में अधिक आय बढ़ा रहे हैं, तो इसका सबसे महत्वपूर्ण, आय की भी अगर छोड़ दें, पर क्योंकि चारों तरफ बीमारियां ही बीमारियां, कैंसर और कहते हैं हम बहुत हैं पर करते नहीं, तो इसमें जो है अपनी इस पीढ़ी को और जो भविष्य की हमारी पीढ़ियां हैं उनको स्वस्थ बनाने के लिए, तो ये आज का विषय इस संगोष्ठी का रखा गया है कि जैविक खेती या कार्बनिक खेती, ऑर्गेनिक खेती, कुछ भी कह लीजिए, एक कदम स्वस्थ भारत की ओर।